रेलवे जब लालू जी का था ना, तो गरीब रथ ओरिजिनल में गरीब रथ था, उसमें खाली गरीबे सफर करता था, अमीर करवे नहीं करता था। तो हम चाहेंगे कि रेलवे फिर से लालू जी को दीजिए। मोदी जी, अब आपको, अब हम लोग आपको नहीं चाहेंगे, ना चाहते हैं। तमाम लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो भी सुपर फास्ट ट्रेन है, ट्रेन पे सफर करना बंद कीजिए। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो भी है, पूरे बिहार में जो भी सुपर फास्ट ट्रेन है, ट्रेन पे चढ़ना बंद कीजिए। मोदी जी के दिमाग खुल देते हो, बात क्या करते हो कि भैया सब ट्रेन के स्लो कर देते हो। हाँ, आज एक बार भी ना तो नरेंद्र मोदी का कोई टिप्पणी आता है, ना तो नरेंद्र मोदी के कोई आदमी जाते हैं, ना तो कोनो बीजेपी का आदमी वहाँ जाता है। गया कोई भी, खास करके हम तमाम बिहार के जनता से हाथ जोड़ के बोले हो, ट्रेन पे सफर मत करिए भैया, हम तो ट्रेन देखे उस साला डर जाइयो। तो हम लोग भी डर, अरे भैया ये यमराज है ट्रेन, कितना दिन हुआ ये, इसी साल में तो उड़ीसा में हुआ था ना। तो देखिए ना कि जिस प्रकार चार गो बोगी पलट ले, मरे वाला आदमी कितना मर गए लो, अहिया गिनती में छवे को कहे लो चार बता रहे, छह नहीं बता रहे। नमस्कार दोस्तों, देखिए बक्सर के रघुनाथपुर में जो ट्रेन हादसा हुआ और उसके बाद जो वहाँ से आकरा निकला, बहुत सारे लोग घायल हैं, कुछ लोगों की मौत हुई है। इस पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी आए कि 4 लाख रुपया मिलेगा जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि नहीं तो रेल मंत्री पहुँचे हैं, नहीं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के तरफ से एक भी अभी तक पोस्ट नहीं आया है। बाकी बात, हम लोग रात में वहाँ पे पहुँचे भी थे, हमारे साथ एक्टर समीर चौधरी हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, रघुनाथपुर में जो हुआ आपने देखा? देखे ही हैं, ऐसा थोड़ी है कि हमारे बिहार के घटना है हम ना देख भाई। रात के 9 बजे से हमको फ़ोन आ रहा था, आरा से एक मेरा एक भाई था। अच्छा, तो भैया रात के मम्मी फ़ोन की है, आप फ़ोन नहीं उठा रही है। हाँ। और 10 बजे के कुछ समय पर दुर्घटना हो गया था। उसके बाद जो लड़का रोते रहा, उसका दर्द हमारे अंदर आया। मेरा एक देखे होंगे वीडियो में, हम थोड़ा सा भावुक हो गए थे। लेकिन हम पूछते हैं मोदी जी से, अच्छा मोदी जी ये बतावा, मैंने बिहारी से आपको चीड़ है क्या, कि बिहारियों से चीड़ है कि बिहार से चीड़ है, पहले आप एगो तय कीजिए। अभी हाल में एक जगह कहाँ तो होलो रेल दुर्घटना, कहाँ वाला सर, मैंने उड़ीसा में हुआ है, तो आप चल गए वहाँ पे, रेल मंत्री भी पहुंचे। देखिए कि वोट बैंकिंग के लिए लोग आदमी को बांटने का काम करते हैं। क्या बिहार से वोट नहीं मिलता है? अरे भैया मेरे, तो बिहार से वोट मिलो तो पकौड़ा भी के तलो, बिहारे के ना आदमी तलित हो। अच्छा, का जरूरत है भैया कि आप भारत कौन, अभी ट्रेन में लॉन्च हो लो है बुलेट, बुलेट बुलेट कुछ नहीं होना चाहिए। हम तमाम बिहारियों को कहना चाहते हैं कि देख लीजिए कि ये नरेंद्र मोदी की असलियत। आज 2 दिन होने जा रहा है, आज एक बार भी ना तो नरेंद्र मोदी का कोई टिप्पणी आता है, ना तो नरेंद्र मोदी के कोई आदमी जाते हैं, ना तो कोनो बीजेपी का आदमी वहाँ जाता है। गया कोई भी? गया नहीं? गया सम्राट चौधरी, गए सम्राट चौधरी जी तो जाइबे ना करेंगे भैया। हाँ। समाज के आदमी हथिन तो ना जेथिन, वो बाहर के नहीं, तमिलनाडु से नहीं ना आए हैं, वो बिहार के बेटा है, बिहार के आदमी है, तो बिहारी के दर्द देखे जाएंगे। और अभी तक जो है कोई मुख्य कारण पता नहीं चला है कि ट्रेन हादसा ऐसा क्यों हुआ, नजायज बैठा से कुछ हुआ। हाँ। यहाँ फोकटिया सबके हराम में घूस ले लेके नौकरी लगा देगा, और नौकरी लगाएगा कैसन जाहिल के, जेकरा साला के बढ़िया साइकिल नहीं चला जाता है, ओका ट्रेन के स्टीयरिंग दे देगा, वो क्या करेगा जाके, वही ना ठोक ठाक देगा। हाँ। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे 1 बजे रात में, जब घटना हुई थी तभी हम लोग पहुँचे हुए थे वहाँ पर, जब लोगों से हमने बात किया तो वहाँ के जो स्टाफ थे उन्होंने खुद बोला कि भैया कैसे नहीं होगा, जहाँ 3 लोगों की जरूरत होता है वहाँ 1 लग रहता है, जहाँ 5 लोगों की जरूरत होता है। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति कह दे कि 3 घंटा में तोरा हम दिल्ली पहुँचा देंगे, 3 घंटा में साला ट्रेन दिल्ली पहुँचाएगा, बुर्बक बना रहे हो आदमी के लिए, चुतिया बनाता है। 3 घंटा में आदमी के ऊपर पहुंचाया जा सकता है, दिल्ली बॉम्बे कहूँ नहीं जाएगा। अगर 3 घंटा में आदमी दिल्ली चले जाते, यहाँ एरोप्लेन कहला उड़ रहा, जो इतना 10,000 रुपया जो टिकटवा लगा है, अब 1500-2500 ट्रेन के टिकट है, जो भी व्यक्ति को झांसा देने का काम करते हैं, और खास करके हम तमाम बिहार के जनता से हाथ जोड़ के बोले हो, ट्रेन पे सफर मत करिए भैया, हम तो ट्रेन देखे उस साला डर जाइयो। तो हम लोग भी डर, अरे भैया ये यमराज है ट्रेन, कितना दिन हुआ ये, इसी साल में तो उड़ीसा में हुआ था ना। तो देखिए ना कि जिस प्रकार चार गो बोगी पलट ले, मरे वाला आदमी कितना मर गए लो, अहिया गिनती में छवे को कहे लो चार बता रहे, छह नहीं बता रहे। तो देख लीजिए ना, ऑफिशियल जो आंकड़ा आया है वो 4 ही आया है, बाकी कुछ 200 के लमसम में आंकड़ा है कि घायल हैं लोग। 4 देते ना समीर चौधरी, तो लठिया लेके जब हम निकल जाएंगे तो गिनती गिना दें कितना आदमी मरा है। तमाम लोग बताएगा कि हाँ उसके घर में किसका क्षति हुआ। अब क्या कीजिएगा आप मोदी जी,
अब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हैं ना, अब एक बार वहाँ आके बोलते हैं भाइयों बहनों मैं सबको रेलवे का ड्राइवर बना दूंगा, तब नहीं वो लगता कि हाँ मोदी जी देखो यार किए हमारे बिहार के लोगों के लिए। लेकिन मोदी जी के तो बिहारी से इतना मतलब लगो चीर भरल हो कि मैंने क्या चाहते हैं। रेलवे में 3 लाख सीट खाली है, वहाँ के स्टाफ खुद बोल रहे थे भैया अकेले काम करना पड़ता है, अब झप्पी आ रहा है तो झप्पी भी नहीं ले सकते, जबरदस्ती काम करना पड़ता है, तो क्यों नहीं होगा इस तरह का हादसा। झप्पी भी आता है तो मतलब नींद आता है, सो नहीं पाते हैं, जबरदस्ती काम करना पड़ता है। तो थोड़ा सूते लगी दिया नौकरी है, जो जाके घर में सूत मोगी मतलब के साथ जाके। ये नहीं, एक आदमी की जहाँ जरूरत है, जहाँ 3 आदमी की जरूरत है वहाँ एक आदमी से काम कराया जा रहा है। तुम नौकरी मत करो, तुम कौन बोल रहा है तुमको करने के लिए, जहाँ एक आदमी की जरूरत है, जहाँ 3 आदमी की जरूरत है वहाँ एक खटा भी। ये ना बताओ तू कहे लग कर रहा काम, मत करो तुम काम। थोड़ा बोला गया था कहाँ गया, मैंने जब तुम दुर्घटना कर सकते हो, अगर ये आदमी चाहता तो नहीं जाके भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा, चाहेगा तो नहीं आंदोलन कर देगा कि देखिए हमको रेलवे में ऐसे ऐसे। एक तो रेलवे के बेच देलकू सब, बेच देलकू रेलवे के सब, अब बेचला के बाद भी दुर्घटना पे दुर्घटना हो रहा, और का दुर्घटना हो रहा बिहार के लोग, जबकि मोदी जी को सबसे ज्यादा TRP मिलता है, सबसे ज्यादा भगवान की भक्ति मिलता है तो बिहार के जनता से, आओ कहूँ से नहीं मिलता। जो आप राम राम नाम करते हैं ना, राम के नाम पे जो बांटने का काम करते हैं, ये सब बिहार के ही जनता आपको इतना देता है। अब घंटा देगा आपको, लीजिए ना। तमाम लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो भी सुपर फास्ट ट्रेन है, ट्रेन पे सफर करना बंद कीजिए। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो भी है, पूरे बिहार में जो भी सुपर फास्ट ट्रेन है, ट्रेन पे चढ़ना बंद कीजिए। मोदी जी के दिमाग खुल देते हो, ओकर बाद क्या करते हो कि भैया सब ट्रेन के स्लो कर देते हो। हाँ, ये जो वंदे भारत है, कौन कौन आ रहा है ना सुपर फास्ट के नाम पे, ये सब एगो समझिए कि एगो मतलब कोची बोलो ओकरा, अरे एकरा का बोले जो मर मरा जाए आदमी पे, बुलेट, अरे काल हो काल, काल। हाँ, वंदे भारत नहीं काल भारत नाम रखिए उसको, उस काल पे बैठेगा आदमी तुरंत गायब हो जाए। रेल मंत्री भी कहे ना आए एक बार, कहे आवेगा, कहे आवेगा भैया ये बिहार के धरती हो, मतलब बिहारियों से किसी को मतलब नहीं है, खाली वोट चाहिए। मतलब है, सिर्फ बिहारी को जानता है कि इसको ये को मुद्दा दे दोगे उसी में उलझन रहेगा आदमी। चलो राम जी के नाम पे सब तो उलझन है, ये है मोदी 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 क्या करता है, देख रहे करेन लेके किस तरह से डब्बा को पलटाया जा रहा है, सीधा कर रहा है, साफ सुथरा करने की। अरे वही है आदमी के उठावल के लिए, जब उस समय देखा होगा बूढ़ा बक्कू के तरह, उस समय मोदी जी वहाँ गए थे झंडा उंडा लगा के, हाँ तो मोदी जी बहुत बुरा लग रहा है आज हमको कहते हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, आज हमको छी कहने पे दम मजबूर हो गए, छी मोदी जी छी। रघुनाथपुर के जो ग्रामीण है उन्होंने सबसे ज्यादा वहाँ योगदान अपना दिया है, बोले कि 90% लोगों को यहाँ NDRF की टीम या फिर प्रशासन सब आने के पहले हम सारा काम कर चुके थे, हम लोग सब उन लोग कर दिया था, बहुत लोगों की जान उन लोगों ने बचाया। रघुनाथपुर के तमाम लोग के हाथ जोड़ के दम स्वागत करते हैं कि देखिए आप लोगों ने किया, इंसानियत यही होता है। अच्छा, जो ऑफिशियल आंकड़ा बताया जा रहा है कि 4 लोगों की ही मौत होगी, लेकिन वहाँ के लोग कुछ बता रहे हैं कि नहीं उससे ज़्यादा आंकड़ा होगा मौत जिनका हुआ है, लेकिन ऑफिशियल 4 ही आ रहा है। तो ऑफिशियल 4 को नहीं आएगा, नौकरियाँ ना बांटे पड़ जाएगा, यहाँ लाख लाख रुपया दे पड़ जाएगा ना आदमी के, यही से ऑफिशियल के छुपा देवे, कम से कम हमारे देश के प्रधान मुख्यमंत्री जो हवा वो जाके उतना तो कर देलको ना बिहार के राज्य के हो, उतना तो देने का काम किया ना उन्होंने नीतीश कुमार की, पैसा से किसी की जान नहीं आती है। नीतीश बाबू जी कृपया करके आप केंद्र जो सरकार है उस पर चढ़ाई करने का काम कीजिए, हम तो चाहेंगे कि रेलवे फिर से लेके लालू जी के हाथ में दे दीजिए, अपने हाथ में नहीं लालू जी के हाथ में दीजिए। रेलवे जब लालू जी का था ना तो गरीब रथ, ओरिजिनल में गरीब रथ था, उसमें खाली गरीबे सफर करता था, अमीर करवे नहीं करता था। तो हम चाहेंगे कि रेलवे फिर से लालू जी को दीजिए। मोदी जी अब आपको, अब हम लोग आपको नहीं चाहेंगे ना चाहते हैं। बाकी देखिए, जो टिकट कटता है, जैसे आप ट्रेन से कहीं सफ़र कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की ट्रेन थी एक्सप्रेस जो आनंद विहार से कामाख्या के लिए जाती है, जो टिकट कटती है वही आंकड़ा जो है सरकार के पास रहती है, बाकी जो है बिना टिकट का भी लोग जाते हैं। तो ये अनुमान लगा के आप देख सकते हैं कि कितने ऐसे लोग होंगे जो बिना टिकट के होंगे, उनका संख्या कैसे जोड़ा जाएगा, उसके बारे में कैसे बताया जाएगा, ये सभी चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। बाकी आप लोग क्या जानते हैं इस वीडियो के बारे में, क्या सोचते हैं, कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।